हेलो फ्रेंड्स, ऑल टिप्स पीसीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर, कार्बनिक कंपाउंड और अकार्बनिक कंपाउंड में कौन सा अंतर पाया जाता है। तो आइए इसके अंतर को समझते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सब शॉर्टकट पे लिखे गए हैं, तो एक एक पॉइंट को हम आसानी से समझते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यौगिक सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मिथेन सहसंयोजक बंधों में एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, यानी बराबर की साझेदारी होती है। तो कार्बनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अकार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, वे विद्युत सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। विद्युत सहसंयोजक बंधों, इसका मतलब यह है कि ये आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। विद्युत सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसका मतलब कि ये आयनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। कोई भी अकार्बनिक कंपाउंड ले लीजिए, जैसे अकार्बनिक है ये NaCl, तो ये Na प्लस Cl माइनस, यानी ये जो कंपाउंड है आयनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि कार्बनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है कम होता है। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, मेल्टिंग प्वाइंट बॉइलिंग प्वाइंट कम होता है और इसका अपेक्षाकृत उच्च होता है, यानी अकार्बनिक कंपाउंड का कार्बनिक की तुलना में गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये प्रायः ज्वलनशील होते हैं। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वे ज्वलनशील होते हैं, अकार्बनिक कंपाउंड अज्वलनशील होते हैं। चौथा पॉइंट है कि विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं लगभग सभी विद्युत के कुचालक हैं, यानी विद्युत का इनमें से प्रवाह नहीं होता है। अकार्बनिक जितने भी कंपाउंड हैं अधिकतर विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें से ऊष्मा को प्रवाहित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि ये आयनीकृत नहीं होते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वे आयनीकृत नहीं होते हैं, और ये अकार्बनिक यौगिक में क्या है कि ये आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे एक कार्बनिक यौगिक का एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे मिथेन, तो मिथेन को हम आयनीकृत नहीं कर सकते हैं कि सी प्लस या एच, इसको आयनीकृत नहीं किया जा सकता है। अकार्बनिक जो कंपाउंड है आयनीकृत हो जाते हैं। अकार्बनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो तो NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, यानी अकार्बनिक कंपाउंड आयनीकृत हो जाते हैं, कार्बनिक कंपाउंड आयनीकृत नहीं होते हैं। ये जल में आविलय तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं, यानी कार्बनिक कंपाउंड जो है जल में आविलय तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं। और अकार्बनिक कंपाउंड क्या है कि जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील है। दोनों पॉइंट को हम आसानी से समझते हैं। इसको आप आसानी से ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं केवल कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, जितने भी अकार्बनिक कंपाउंड हैं वे अकार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। जैसे जल क्या है, जल एक अकार्बनिक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक जल में आविलय, यानी जल में घुलता नहीं है, कार्बनिक यौगिक केवल कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील है। यहाँ पे लिखे हैं कि अकार्बनिक यौगिक जल में विलय, अकार्बनिक है जल भी अकार्बनिक है, H2O अकार्बनिक है, तो इसमें विलय है और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं केवल और केवल कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, और अकार्बनिक जितने होते हैं अकार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। तो इस वीडियो में हम जान गए हैं कि कार्बनिक कंपाउंड तथा अकार्बनिक कंपाउंड में कौन कौन सा अंतर होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।